कभी-कभी इंटरव्यूज वगैरह में सवाल ऐसा दे दिया जाता है कि उसमें स्टॉक आइटम होता ही नहीं है। आपसे कह दिया जाता है कि 10,000 रुपये का माल खरीदा या 10,000 रुपये का बेचा, किनको बेचा ये बता दिया जाता है, और फिर उसी की एंट्री आपको पास करनी रहती है। ऐसे कंडीशन में बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे मान लीजिए सवाल दे दिया गया कि 50,000 का माल बेचा, ठीक है, अब बेचा ये तो दे दिया गया, तो अब इसमें तो स्टॉक आइटम तो है नहीं, तो आप क्या डालेंगे, कैसे करेंगे एंट्री, तो यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना है कहाँ पे, ये चेंज मोड जो दिया हुआ है ना, यहाँ पर आना है, और यहाँ से देखिए ये अकाउंटिंग इनवॉइस दिया हुआ है, इसी मोड में आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, उस पार्टी का नाम आएगा सबसे पहले, तो सप्लायर का इनवॉइस नंबर, परचेस कर रहे हैं तो ये परचेस के समय सप्लायर का इनवॉइस नंबर आया, वो डेट आएगी जिस डेट पर हो रही है परचेजिंग। तो यहाँ पर F2 करके आप डेट चेंज कर सकते हैं, फिलहाल मैं यही डेट रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एंटर करेंगे। अब मान लीजिए कि ये परचेस किया जा रहा है, किन से परचेस किया जा रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर अल्ट सी करके लेजर बनाने का तरीका जानते हैं, अल्ट सी करके लेजर बनाते हैं, तो लोकेश होलसेलर से, लोकेश होलसेलर, SELLER, लोकेश होलसेलर हो गया, इन्हीं से परचेस किया जा रहा है। ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, तो ये हो गया सन्ड्री क्रेडिटर, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा दीजिए, ये हो गया। तो कितने का सामान खरीदा, 50,000 का, ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। बिल आपको मिलता है, आप उसमें चाहे तो GST भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरीके से बिल पे GST ऐड किया गया उस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अब 50,000 का सामान खरीदा, लेकिन ये तो दिया नहीं गया क्या खरीदा, तो यहाँ पर आएगा परचेस का लेजर। तो देखिए परचेस का लेजर पहले से मैंने बनाया है, अगर नहीं बनाया तो अल्ट सी करके बना लीजिए, ग्रुप रहेगा परचेस अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पर आकर के परचेस कर लीजिए, कितने का, 50,000 का, तो ये 50,000 कर दिया, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। अब GST देना चाहे नीचे तो दे सकते हैं, ठीक है, फिलहाल तो इसको रहने देते हैं, एंटर करते हैं और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, तो ये एंट्री इस तरीके से हो जाती है। अब यही चीज सेल्स में करनी हो तो कैसे होगी, तो सेल्स वाउचर में चलते हैं, फेड प्रेस करके, किनको बेचा, 50,000 का माल बेच दिया, अब मान लीजिए बेच दिया तो किनको बेचा, तो यहाँ पर सबसे पहले रेफरेंस नंबर डाल देंगे, एंटर करेंगे। अब मान लीजिए कोई डेटर पार्टी, जैसे अविनाश डी करके हैं, ये डेटर पार्टी, इन्हीं को बेच दिया है, ठीक है, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, GSTIN वगैरह भर लीजिएगा। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पर्टिकुलर में वही सेल्स अकाउंट आ जाएगा, वहां पर परचेज अकाउंट आया था, यहाँ पे क्या आएगा, सेल्स अकाउंट आएगा, तो ये सेल्स अकाउंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है, मान लीजिए 50,000 का बेचा, तो ये 50,000 कर दीजिएगा, एंटर कीजिएगा, एंटर कीजिएगा, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है। तो ये तरीका है, अगर ऐसे दे दिया जाए कि इतने का खरीद लिया, इतने का बेच दिया, तो ऐसे करके आप एंट्री पास कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना, कहीं कोई कंफ्यूजन। अब जो 50,000 का आपने परचेस किया था, उसको कैसे हम उसका पेमेंट करेंगे, एक सवाल ये भी है, तो यहाँ से पेमेंट वाउचर में चल, परचेस वाउचर में चलते हैं। तो ये परचेस में जाके ही हमने परचेस किया था 50,000 का, ठीक है, और अब हम पेमेंट करेंगे इनको, तो पेमेंट किनको करेंगे, तो क्रेडिटर पार्टी का नाम हमने क्या लिया था, वहां यहाँ पे देखिए यही है, लोकेश होलसेलर है, ठीक है, ये क्रेडिटर पार्टी का नाम है। तो यहाँ से वी बटन प्रेस करके आ गए हम, अभी देखिए सिंगल एंट्री मोड में है, डबल एंट्री मोड में जाने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट को चालू कर लेंगे और यहाँ से मोड चेंज कर लेंगे, ये जो मोड दिया है ना, तो इसको हम डबल एंट्री मोड बना लेंगे, तो ये डेबिट क्रेडिट दिखाई देने लगेगा, एंटर करेंगे, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर डेबिट किसको करना है, क्या नाम था, लोकेश होलसेलर, तो यहाँ पे एल प्रेस करेंगे, ये देखिए होलसेलर खाली था, लोकेश होलसेलर, तो ये हो गया, कितना दिखा रहा है, 50,000 दिखा रहा है, तो 50,000 पेमेंट कर दिया, जैसे मान लीजिए 45,000 ठीक किया इनको, ठीक है, तो बाकी का 5,000 दिखाएगा पेंडिंग अमाउंट, ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस पे कर्सर अपने आप आ गया, ठीक है, सारी चीजें अपने आप सेट हो जाती हैं। और यहाँ पे कैश में कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं, ये देख लीजिएगा, तो फिलहाल चलिए हम कैश में इनको पेमेंट कर देते हैं, या बैंक से भी कर सकते हैं, आप जैसे पेमेंट करना चाहें कर सकते हैं। अब एक समस्या ये भी रहती है, यहाँ पे डेबिट आ रहा है, तो डेबिट आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ पे जाकर CR लिख दीजिए, बस ये क्रेडिट हो जाएगा, और जैसे ही क्रेडिट होगा तो यहाँ पर आप कैश कर सकते हैं, ये कैश कर दीजिए, ये कैश आ गया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, इसको एक्सेप्ट करा लिया, तो ये हो गया पेमेंट। अब दोबारा पेमेंट करने जाएंगे तो लोकेश होलसेलर को, तो ये देखिए यही है लोकेश होलसेलर वाला, अब देखिए कितना दिखा रहा है, सिर्फ 5,000 दिखा रहा है, ये बहुत आसान है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा ना, ठीक है।